एक क्या में बैठा था तो मलिक साहब बैठ गए, बहुत अच्छा आदमी है। मैं सब चला गया, ये एक आदमी निकला काम का। पूरे गांव में, पूरे मुल्क में एक ही आदमी काम का निकला जो साथ दिया। तो तू कहता हूँ एक आदमी को मलिक साहब समझे ना, जो कुर्सी पर आप बैठे हैं ऊपर हम ही का चादर न मिला है, वो चादर के इंतजार में बैठे हैं। चादर आप पूछिएगा, चादर लेके हम भी भाग रहे हैं। तो बता तो सब लगता है कि सबका चादर यही कुर्सी पर रखा है। अच्छा तो सबको अभी चादर दे देते हैं। बातें तो बहुत सी हैं किधर हम जाएं, सिर्फ शुक्र अदा करना है। आपको एक नेमत मिली है ना, मगरिब के बाद से ही आप लोग यहाँ पर बैठकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन रहे हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ी नेमत हो गई। ये बहुत बड़ी नेमत है कि नहीं है भाई? तो खाली ये दो तल्ला मकान बनाते हुए को समझते हैं बहुत बड़ी नेमत है, जमीन जायदाद खरीद तो उसी को समझते हैं बहुत बड़ी नेमत है। मगरिब से ऐसा तक जो हम सुने हो अल्लाह रसूल की बात, ये भी तो नेमत है। तो इस नेमत का सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र हम अदा करते हैं। इसका करते हैं अल्लाह का, क्योंकि अल्लाह फरमाता है वश्कुरु ली वला तकफुरून, मेरा शुक्र अदा करो और ना शुक्री मत करो। मगर उसी के साथ साथ मौलवी लोग का भी तो दखल हो गएगा। हम मगरिब के बाद जो बेचारा सब खर्चे हैं, अब कई कई मील से आए हैं हम ये पर से 10 मरतबा घर गए, 10 मरतबा यहाँ, ये कितने मील से कितने दूर से बेचारे आए हैं। और उसके बाद फिर ताकि आपको और फर्म पड़े कोई एक तो से काम न चलेगा, और करना होगा आपको। बेचारे लोग बहुत खर्चे हैं, बहुत मेहनत किया है, तो फिर सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और उसके बाद जो है हदीस में मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जब कोई आप पर एहसान करता है तो आप उसके लिए भी दुआ कीजिए। और हदिया तशक्कुर बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके हम और आप पूरी बस्ती वाले मिल करके इतना न लाद दे दी मलिक साहब को अपने घड़े में लगा, इतना शुक्रिया का तोहफा लाद दे उनके ऊपर कि फिर वो यहाँ से जाने का नाम। मगर कितने लोग तो फिर भाग गए मलिक साहब, सुनेंगे नहीं। अब तो वो बेचारे के बाद जो पास हो गए यहाँ से, वो सोचते हो कि शुक्रिया अदा किया कि नहीं किया हमारा, वो जो अलग फंसा होगा। तो बहरहाल वक्त ज्यादा नहीं है, आप लोगों की चादर फंसी हुई, जब हम हटन निकालिए और भाग गया, बैग तो पहले भाग गया, अब जो बचा वो चादर होगा। अरे भाई, सबसे पहले मुफ्ती इकबाल साहब आए तो उन्होंने फरमाया कि कोई मुसलमान किसी को तकलीफ न दे। उनकी तकलीफ का क्या खुलासा था? अब ये माँ इतना न हॉर्न लगा दिया कि कितना बीमारी का तो हाजिर फिर हो जाए। तुम लोग जलसा क्या लगा है कि लाश को निकलवाएगा कल? इतना न हॉर्न लगवा दिया ये नौजवान सब कि बुढ़वा सबका सत्यानाश। अब बीमारी कल कितना हॉस्पिटल में जाएगा कुछ कर। तो हम चार लोगों को तकलीफ, मौलाना मुफ्ती इकबाल साहब क्या कहे, कितनी बार एक बात कहे जो ऐसा हॉर्न लगा दिया कि ना दिमागी पड़ जाता। सही पूरे कमजोर है तो प्याज तो रखना ही होगा। उनकी पूरी तकलीफ का खुलासा यही था कि कोई मुसलमान किसी को तकलीफ न दे।
खूब कस के कहे सुभान अल्लाह एक आदमी सोया हुआ है बेचारा बच गया। अब जाहिल आदमी सोच रहा है कि इसको कह दे कि सुभान अल्लाह न कहो कहीं ऐसा ना कि ईमान चला जा हुआ है तो अब बैठा हुआ। अरे बिल्कुल कही क्या हर कुछ क्या एक अदब है इस्लाम में कि दीन पर कैसे चलना सर। तो मुफ्ती इकबाल साहब ने एक लिए ये भी बात कही है कि बढ़िया बढ़िया मौलवी बाद में जो आ जो बढ़िया मौलवी होते हैं बाद में आते आ घटिया पहले आते। ये जाहिल सबको मुफ्ती इकबाल साहब को समझ लिया होगा कि जाहिल मौलवी क्योंकि उन तो बेचारे कहते अच्छे अच्छे मौलवी को बाद में रखा जाता आ घटिया को पहले। हम मुफ्ती इकबाल के शख्सियत को हम पहचानते इल्म वाला ने इल्म वाला को पहचाने तो पहचान गया कौन मौलवी है कौन पैजामा कुर्ता वाला तुझे क्या पता कौन मौलवी है कौन आलिम है तुझे क्या पता। तू तो जिसको देखता कि दाढ़ी बढ़ती है पगड़ी बढ़ती है उसके पीछे चल रहे। अरे कुछ सोचो समझो तो सोचने समझने के लिए थोड़ा आप भी मदरसा में पढ़िएगा मदरसा लाइन में तब ना समझिएगा। तो असल में ये है ना कि अच्छा अच्छा बाद में नहीं आता। असल में आजकल अच्छे अच्छा मौलवी किसको कहते जो खूब हंसी लगा रहे जो मौलवी जितने हंसी लगावेगा वही सब एक नंबर का। जैसे आप हंसने के लिए पैदा हुए हो कुरान कहता फल यज़हकू क़लीलन वल यबकू कसीरा। मुसलमानों की शान ये है कि वो हंसते कम है रोते ज्यादा है। व तज़हकून वला तबकून तुम हंसते हो और रोते नहीं। मुसलमानों की शान है कि वो रोया करते हैं। वइज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा आयो नहुं तफीज मेरा दम में। हबशा के बादशाह ने जब कुरान करीम को सुना तो फौरन उसके आंख से आंसू बहने लगा मुसलमान हो गया। कोई बादशाह नबी के फरमान को सुनकर मुसलमान नहीं हुआ सिवाय हबशा के बादशाह को जिसको आजकल अफ्रीका कहते हैं। और ये बादशाह जब मुसलमान हुआ तो ऐसा मुसलमान हुआ कि हमारे नबी ने गायबाना जनाजे नमाजा पढ़ी। हबशा में जनाजा है मदीना हबशा में मैयत है बादशाह मरा हुआ है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में नमाज पढ़ रहे। कितना ऊंचा मकाम हो गया बादशाह न मुसलमान हुआ। बाकी न मिस्र का बादशाह मुसलमान हुआ न कोई हुआ भाई 10 मिनट का वक्त था कैसा ना हमको कोई उठा दे। बहरहाल तो ये उलमाए किराम की मेहनत थी तो उसका हम लोगों शुक्रिया अदा करें। और बेचारे भय नहीं है और जो मेहमान अगर किसी तरह से कभी दखातिर हो गए हो उनको रंजी सुई हो तो माफ़ फरमा दें। बसनावी पढ़ दीजिए बसनावी माफ़ फरमा दें। और हमारे शोराए किराम अशफाक बहराइची साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह इश्क रसूल में डूब कर नाप आप हजरात को सुनाए हैं और आप भी बहुत डूब गए माशाल्लाह। नौजवान की फिक्र नजर कुछ और होती है हम लोग का बचपन तो बचपन कब जो है झपट भी है कोई ठिकाना नहीं। तो नाच सुनना कोई बुरी बात नहीं है। हजरत हसन इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल नाच करते कितना मौलवी की पैजामा तो बाहर हो जाएगी खाली नाचे को। और उसको पता नहीं कि हसन इब्न साबित जो नबी के सहाबी है उनके लिए मस्जिद नबवी में मिंबर बिछाया जाता कि तुम इस पर खड़े होकर नाच करो। नाच करना बुरा नहीं तो हम शॉट मार रहे हैं आप देख लीजिए छक्का पर चला जाता है।
ये जो है बुखारी शरीफ की पहली हदीस पर है, इन्नमल आमाल बिन्नियात। मौलवी सबसे सीखते सीखते हम मौलवी हो गए, इतना ना मौलवी आजकल हो गया, इतना तकलीफ करता है कि हम मौलवी हो गए बिना पढ़े। कहा इन्नमल आमाल बिन्नियात। अब बुखारी की आखिरी हदीस पढ़े, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इला रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अला लिसान सुभानल्लाह व बिहम्दी सुभानल्लाह लज़ीम। एक तो पहले का लिए, एक तो आखिरी लिए, 7000 हदीस बुखारी में सब का हो गया तुम्हारे। अब का चाह छोटा छोटा बच्चा को माए को रे बुआ सब रोजा न रहो, पहले का रह के आखिरी ठीक हो तो आओ। बुखारी शरीफ की पहली हदीस अब तो सुन लिया, एकदम लावाल बन लिया। और उसके बीच में तो 6000 हदीस है, 7000 तो उतना कौन याद करिए। एगो लास्ट का सबसे हौला सुभान अल्लाह जम दी सुभान अल्लाह लगती सब जाहिल बाबू भी याद कर सुभान अल्लाह, मगर खाली सब सुभान अल्लाह पढ़ता है, सुभान अल्लाह जम दी सुभान अल्लाह लगती पूरा पढ़िए तब काम की बात बन गई। सुभान अल्लाह भी कभी कभी कह दो, काहे कि वो काल की हदीस आए। तो ये हदीस तो शक्कर हुआ ना। अच्छा ये ना समझे कि हम घटिया हैं, हम जाहिले रह गए सब मौलाना से। जब तो वाक्य बयान करें एक बार घट जाएंगे। एक मौलाना साहब तो दरिया का सफर कर रहे थे, घमंडी में थे, हम तो बहुत बड़े मौलाना हैं। आए फारी हो क्या है मल्ला को कहा कि तुम जो है इल्मे सर्फ पढ़ा है। हम कहा कि इल्मे सर्फ सर्फ तो वही हुए कपड़ा कपड़ा फड़ा धोते सो सब धूते हो कुछ कहीं आज भी पढ़ रहे ना तो इल्मे सर्फ पढ़ा है। तो वो हम कुछ न जानते, हम तो बस इधर से उधर पहुंचा देते हैं नदी में ये नाव पे कोई चढ़ता है तो इधर से उधर ले जाते हैं। तो हमारा काम यही, हम मल्ला है, हमको ना खुदा भी फारसी वाला कहता है, तो ऐसा ही काम हम करते हैं, हमको कुछ नहीं आता। फिर आगे चला मौलवी साहब कहा तुम इनमें नहो पढ़े हुआ है, हम लोग न जानते हैं। क्या इनमें फेका पढ़े हुआ है, हम कहा यो नहीं जानते हैं। आप जो है बीच में दरिया बीच दरिया में जब पहुँचा तो नाव डूबने लगी, तब कहता है वो मल्ला मौलवी साहब आपको पौड़े आवो क्या है अब नाव डूबे वाले, हम तो निकल जाएंगे। अब फिल्म में सर फिल्म में नाव लेके अब तू निकल जा तो देखो। तो कोई भी चीज निकम्मी नहीं कुदरत के कारखाने में, कोई भी चीज निकम्मी नहीं कुदरत के कारखाने में। तो आप लोग भी ये नहीं कह रहे जाए निष्पट हो गए, कुछ भी नहीं है ऐसा नहीं। अरे कि कदर कीमत है अल्लाह के नजदीक, इसलिए अमल कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा आप लोगों की मेहनत से बहुत ही कामयाब रहा, ज़्यादा तवील गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं। चार मिसरा मसनवी पढ़ दीजिए, मसनवी पढ़ना चाहिए उसको तो पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन उसमें बहुत मेहनत पड़ता है। आशिकारा मजहबो मिल्लत खुदाश, आशिकारा मजहबो मिल्लत खुदाश, मिल्लत इश्क समा मिल्लत खुदाश, आशिकारा मजहबो मिल्लत खुदाश, मिल्लत इश्क समा मिल्लत दास, रोशनी इश्क बुझो गर सिंदई, रोशनी इश्क बुझो गर सिंदई, वन वक्त मुख्तलिफ रावंदई, वरना वक्त मुख्तलिफ रा बंदगी,
इश्क जिंदा है तरवानों दरसर हर दमे बाशक से गुंज है ताजा तर इश्क आप गुज़े के जुमले है अंबिया इश्क आप गुज़े के जुमले है अंबिया आयाफतन दस इश्क कारों क्या तू मगो मापदा शहबार तू मगो मापदा शहबार ने अबर करीमा का रहा दुश्वार ने पर करीमा का रहा दुश्वार ने तालिबात को जो इनाम मिला है वो बुखारी शरीफ पढ़ने की वजह से मिला है लेकिन ये तो दुनियावी इनाम है ये न समझे कि बुखारी शरीफ पढ़े हैं तो इसी मजबूरी ले जाएंगे बल्कि इसका असल इनाम अल्लाह के यहाँ मिलेगा कुरान और हदीस पढ़ने का बदला कोई नहीं दे सकता इसका असल बदला अल्लाह ताला के यहाँ मिलेगा जब जन्नत में चला जाए जन्नत में जाने के बाद भी क्या करें फिर वहां भी मौली साहब की जरूरत पड़ेगी जन्नत में चला जाएगा वहां भी मौली की जरूरत पड़ेगी अल्लाह ताला पूछे हैं क्या अच्छा है जन्नत ही सब कुछ मिल गया सब कुछ मिल गई सब हाँ हाँ अब कौन सी चाहिए अब तो भुना भुना जो है चिड़िया का गोश्त खा रहे हैं वो लहमे तहरीर मायस्तून पहले दुनिया में भूनते थे अब तो भुना भुना गोश्त आ रहा है चिड़िया का गोश्त खा रहे हैं और जो है न जाने कुतुब हतानिया ये फल जो है बिल्कुल मुंह के पास लटका हुआ पहले ऊपर चढ़ते थे आम के ऊपर तो कभी कभी गिरते थे तब पाँव जो है जन्म हो जाता यहाँ तो जन्नत में जो फल है एकदम मुँह के पास आ रहा है तो जन्नत के मेवे तो एकदम करीब में आए हुए हैं गोलू वश रघु हनी हम बीमा असलपुर के लिया में खा लिया अ खाओ और पियो क्यों इसलिए कि दुनिया में तुमने कुछ नेक अमल किया था दुनिया में तुमने इल्म जो हासिल किया था वो मेरे लिए हासिल किया था पैसा के लिए हासिल किया था ये नगद के लिए हासिल नहीं किया था दुनियावी इनाम और लालच के हसूल में हासिल नहीं किया था इस इल्म को तुमने मेरे लिए हासिल किया था तो ये जन्नत में इनाम मिल गया तो जन्नत ही सब कहेगा कि अब तुमसे चाहिए अब तो बहुत खाने पीने का सब सामान ही हो गया स्पेशल होटल हो तो मुझे साहब को इनके दूर बेवकूफ कही क्या प्रधान करेगा तो हो गया खाने पीने का सामान मिल गया तो हो गया दिल्लीना सनल हुसना बस यादव कहे हुआ है तभी इसका मौलाना साहब कहें कि इसका मान है कि जन्नत में अल्लाह ताला बहुत सारी नेमत भी देंगे और सबसे बड़ी नेमत जो जन्नत में मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा अल्लाह कहेगा कि तुम अब तक नहीं देखे थे हमको कहते थे कि अल्लाह ताला कैसा है अल्लाह ताला के पास 25 गो हाथ है कि 30 गो हाथ है अल्लाह ताला के पास हमारे पास दूध हो तो बहुत ताकतवर है तुम्हें तो 50 गो हाथ है पहले सोचता था कि अल्लाह ताला कैसा होगा आओ जन्नत में जो सबसे बड़ी नेमत है वो अल्लाह ताला का दीदार है तुम्हें अल्लाह ताला का दीदार होगा आओ मैं अपना दीदार कराता हूँ अल्लाह ताला कहेंगे तो मौलवी सब कहेंगे कि अब हुआ काम की बात अब काम की बात तुम लोगों को खाली भले पूर्वक कर रहा था का गोश्त समझ रहा था कि अभी कामयाब नहीं अब अल्लाह का दीदार हुआ है जो कुरान में लिखा हुआ था कि फमा उस हदीस में फमा उस शयन अहब इलैहिम मिन नजर इलैहिम तो जन्नती को सबसे बड़ी नियमत जो जन्नत में होगी वो अल्लाह